हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको दिखाएंगे कि हमारी बगिया में कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स ने फूल देना शुरू कर दिया है। इससे आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि रेनी सीजन में यानी बरसात के समय कौन कौन से फूल लगा सकते हैं, वो फूल जो है कब तक खिलते रहेंगे। हम आपको उनकी जनरल केयर के भी बारे में बताते चलेंगे और वो कितने समय तक फूल देते रहेंगे ये भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो ये पोर्चुला का, जो कि बहुत सारी वैरायटीज़ और कलर में आने लगा है, ये प्लांट जो है आपका अक्टूबर तक तो फ्लावरिंग अच्छे से करेगा। जब जैसे ही सर्दी पड़ेगी, फूलों के साइज़ छोटे होते जाएंगे और धीरे धीरे फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, लेकिन ये प्लांट आपके पास बना हमेशा रहेगा। नेक्स्ट फरवरी जब आएगी तो इसमें से नए नए फिर से इसमें पत्तियाँ निकलने लग जाएंगी, तब आप जो है इसको कटिंग से अलग अलग जगह ग्रो कर सकते हैं। तो ये फ्लावरिंग के बाद अगर आपको प्लांट्स को बचा के रखना है तो ऐसे ही गमला उठा करके रख दीजिएगा। दूसरे नंबर में ये जो विंका है हाइब्रिड वाला, ये दोस्तों चलता रहता है, जबकि जो देसी वैरायटी आती है, ये जो हल्का सा पर्पल कलर होता है, वाइट होता है, ये कई बार ख़त्म हो जाता है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी इसमें विंटर में भी फ्लावरिंग करती है। सेम प्लांट होता है, साथ में इसके सीड्स भी इस समय बहुत बनने लगते हैं रेनी सीजन में, तो आप कलेक्ट करके उनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो है एलामांडा, ये आपका परमानेंट प्लांट है, गर्मियों से फ्लावरिंग करता है, लेकिन रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और सर्दी पड़ते ही फ्लावर्स धीरे धीरे आना बंद हो जाते हैं नवंबर से, तो इसको भी आप रख सकते हो अपने यहाँ पर। और ये जो है ये झाड़ी नुमा श्रब का जो प्लांट है, ये दोस्तों है प्लेम्बेंगो या नीला चित्रक, गुच्छों में फूल आते हैं। इसमें लगातार जैसे ही गर्मी पड़ती है लगातार फूल आते रहते हैं, प्लांट की हाइट बहुत नहीं जाती है। और ये वाला जो है मैक्सिकन पिटूनिया, तीन कलर में आता है, पर्पल है, वाइट है, पिंक है, ये दोस्तों बिल्कुल जंगली प्लांट की तरह ग्रो हो जाता है। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अब की तो मैंने इसको बहुत निकाल निकाल करके इसकी कंपोस्टिंग कर दी है, क्योंकि इसके बीज जो हैं हर गमले में पहुंच जाते हैं और सब जगह फिर ये जंगली वीट की तरह उगता है। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत कम केयर में ये दोस्तों चलता रहता है, सर्दी पड़ते ही फ्लावर्स बंद हो जाते हैं, प्लांट बना रहता है। साथ में दोस्तों ये है राखी बेल, ये वाली देखिए, इसमें फूल देखिए गर्मियों में आते हैं लेकिन कम आते हैं, रेनी सीजन में ज़्यादा आते हैं। अगर आपने ज़मीन में ग्राउंड में लगाया है तो गर्मी से ही फूल आना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो है ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो ये है कि इसमें ज़्यादातर बरसात के समय फूल आते हैं, कई सारे कलर्स में आते हैं, डिटेल वीडियो उसका मेरे चैनल पर बना हुआ है। साथ में मधुकामनी, मधुकामनी दोस्तों आजकल ड्वार्फ वैरायटी भी आती है, ये वाली टॉल वैरायटी है, और इसमें भी जो फूल आते हैं एक बार ढेर फूल आ जाते हैं, ये परमानेंट प्लांट है, ढेर सारे आ जाते हैं, फिर झड़ जाएंगे सारे एक दो दिन में, फिर से नए आएंगे, तो ये भी रेनी सीजन में फ्लावर्स देते हैं, विंटर आते ही फ्लावर्स बंद हो जाते हैं। ये हमारा कनेर या ओलियंडर का, ये जो बिल्कुल जंगलियों की तरह हो जाता है दोस्तों, लेकिन फूल बहुत अच्छे लगते हैं। इसको कटिंग से कैसे ग्रो किया था हमने, मेरे चैनल का पहला वीडियो है, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप देखना कि मेरा पहला वीडियो कैसा था और आज के वीडियोस कैसे होते हैं। ये दोस्तों गुलनार है, गुलनार वैसे तो हमें धोखे से मिला था, अनार के प्लांट के चक्कर में, अनार का प्लांट लेने गए थे और ये हमें पकड़ा दिया गया था, लेकिन फूल बहुत सुंदर आ रहे हैं, फल नहीं बनते, गुलनार फूल ही फूल रहते हैं, कोई खुशबू नहीं होती है, बहुत सुंदर फूल लगते हैं। और ये देखिए पीछे से बिल्कुल ऐसा लगता है अनार का वो है, ये देखिए, तो ये बहुत अच्छा है, परमानेंट प्लांट है, गर्मियों से फ्लावरिंग करता है, रेनी सीजन में ज़्यादा करता है, सर्दी में भी जनवरी से फिर फूल आ जाते हैं इसमें। और ये बोगनविलिया वैसे तो रेनी सीजन में कम फूल देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है। और ये हाँ, ये तो दिखा दिया आपको। और इसके बाद दोस्तों ये है रतन ज्योत या फिर जेट्रोफा कह सकते हैं, इस पर डिटेल वीडियो बना हुआ है जेट्रोफा पर, छोटे छोटे से फूल आते हैं, बहुत कम केयर करनी पड़ती है,
ये ऑलमोस्ट पूरे साल रुक रुक करके आते हैं, बस जब बहुत एक्सट्रीम सर्दी पड़ती तब बंद रहता है ये एक्जोरा। दोस्तों अभी कलियां आ गई हैं, फूल आना बाकी है। गर्मियों में भी फ्लावरिंग करी थी, लेकिन अभी जो है अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखोगे और आपके यहाँ अच्छी धूप पड़ती है तो पूरा ये दोस्तों दिसंबर जनवरी में भी फ्लावर्स देता रहता है, तो ये चलता रहता है एक्जोरा। ये है हिबिस्कस। हिबिस्कस ने अभी जो था जून जुलाई बिल्कुल फूल नहीं दिया हमारे यहाँ पर, अब फिर से कलियाँ आ रही हैं। तो ये है कि हिबिस्कस भी रेनी सीजन में देता है, लेकिन सर्दियों में फूल थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फुल सनलाइट में रखोगे, प्रॉपर केयर करोगे तो विंटर में भी इसमें फूल आते रहते हैं, लेकिन ये है कि रेनी सीजन में या फिर गर्मी में ज़्यादा फूल आते हैं। इसके बाद ये एक लिमोनिया प्लांट है, ये वाला बहुत छोटे छोटे से फूल आते हैं, ये भी दोस्तों पूरी गर्मी और रेनी सीज़न में आते रहते हैं, इसकी तो रिपोर्टिंग करनी है हमको। और एडेनियम में फूल अभी तक तो देखिए कम है, लेकिन जैसे ही सितंबर अक्टूबर आएगा फ्लावरिंग इसकी बढ़ जाएगी, एडेनियम्स जितने भी हैं आपके। और विंटर में नहीं रहती, विंटर में हाँ डोरमेंसी में चला जाता है ये, फिर उधर मार्च से फिर से फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो विंटर एडेनियम के लिए डोरमेंसी पीरियड है। ये दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी की एक जंगली वाली वैरायटी है जो कि अपने आप से ही ग्रो हो गई है। दो साल पहले इसको मैंने ग्रो किया था, तो लास्ट ईयर तो एक भी प्लांट नहीं निकला, अब की अपने आप ही ये प्लांट निकल आया है, तो ये मॉर्निंग ग्लोरी भी निकलता है। ये दोस्तों कनेर है, इसको आप बीज से भी लगा सकते हो, सीड्स कटिंग भी ग्रो कर सकते हो, तो ये खूब ज़बरदस्त फ्लावरिंग ये भी करता है, पूरी गर्मी फूल देता है। रेनी सीजन में फूलों के साइज़ खूब बड़े बड़े से हो जाते हैं। अब हम कुछ बल्ब वाले बता रहे हैं, ये रेनी सीज़न में ये क्रीमियम लिली खिलती है, एक में 4-5 फूल आराम से निकलते हैं। रेन लिली तो है ही, आपको फुटबॉल लिली भी हम दिखा चुके हैं, और साथ में जो रेन लिली है इसके मेरे पास 3 कलर हैं, ये देखिए येलो वाला है और वाइट वाला है, तो वाइट वाला खूब ज़बरदस्त खिलता है। ये जो है ये रेनी सीज़न में ही खिलता है, फिर ऐसी बस बल्ब बची रहती है। साथ में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेरा पर्स लेन दोस्तों ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है। वैसे सही बात है ये जंगली वीड है, जंगली वो है पौधा, लेकिन देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है बहुत कम केयर पर। तो भाई ये तो हमने अपने प्लांट्स आपको दिखा दिए हैं, अब थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे के जाना, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं जो हूँ गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।